Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are going to discuss life science today, and this is one of the very, very important topic of general science. So, in life science itself, आज हम बात करेंगे सेल की. सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सो we will discuss about the cell, the basic unit, why this is called fundamental unit of life. इसको ऐसा क्यों कहते हैं कि जीवन की दिस इज अ मूलभूत इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज मूलभूत इकाई क्या है और ये फंडामेंटल यूनिट क्यों है और इस पे चर्चा आज करते हैं. ये टॉपिक समझना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो कोई भी टॉपिक अच्छा से समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये सबसे पहला और सबसे बेसिक टॉपिक है बायोलॉजी और लाइफ साइंस के किसी भी टॉपिक को समझने के लिए. इसलिए सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं और ये टॉपिक पे चर्चा करते हैं. तो बिना समय को जाया किए हुए हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड कैसे इस पे हम चर्चा करेंगे. इस टॉपिक का नाम है सेल. टॉपिक का नाम है सेल. सो सेल इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो हम इस पे चर्चा करते हैं कि ये टॉपिक में सेल क्या है. तो सेल इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड हमें ये चर्चा करनी है कि सेल क्या है. सेल दिस इज द टॉपिक एंड हियर टॉपिक इज व्हाट इज सेल. सबसे पहले इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि सेल क्या है. तो सबसे पहले सेल के बारे में जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हम सेल के बारे में जानते हैं और जानना चाहेंगे और क्यों ये बेसिक यूनिट है. जैसा कि फिजिकल साइंस जब हम पढ़ते हैं तो हम केमिस्ट्री वगैरह में ये कहते हैं कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एन एटम. एंड सबसे जो छोटा से छोटा जो हमारा पार्टिकल है वो है एटम, और उस एटम के बदौलत ही सारी चीजें बनी है. तो हम ये कहते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ फिजिकल साइंस. इसी से सारे कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स और व्हाट एवर जो सब्सटेंस हम देखते हैं हमारे आसपास है वो सब बने हैं. इसी प्रकार से सेल, इन द सिमिलर वे, सेल से ये दुनिया में जितनी आप चीजें अपने आसपास लिविंग नॉन लिविंग देखते हैं ये सब सेल से ही बने हैं. पहले इसमें सेल बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहा होगा केमिकल सब्सटेंस को छोड़ करके. तो सेल जैसे जितना भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं या इवन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी जो देख रहे हैं उसमें भी सेल होगा. सेल एक लाइव चीज है जो डेड भी हो सकता है. जैसे आप कोई पेड़ की छाल देख रहे हैं या पेड़ का सूखा हुआ पत्ता देख रहे हैं तो अब उसमें सेल नहीं है, वो डेड हो चुका है, बट वो जब तक उसमें पेड़ में लगा हुआ था तब तक वो लाइव था. तो सेल क्या है और इसको सबसे पहले किसने ये नाम दिया ये जानना जरूरी है. उसके बाद हम जानेंगे कि सेल उसने क्या रिसर्च किया था, क्या होता है सेल. उसके बाद हम जानेंगे कि सेल किस चीज से बना है. तो सबसे पहले कॉर्क जो होता है पेड़ की ट्री के बार्क से बना हुआ कॉर्क एक टुकड़ा होता है, उसको ऑब्जर्व किया 1655 में. In 1655, there was one scientist that is called one of the scientists called Robert Hooke. इन्होंने आप देखा कि पेड़ के कॉर्क जो है उसके स्लाइस काटे, पतले पतले महीन टुकड़े काटे और उस स्लाइस को उन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया. सो ही हैज ऑब्जर्व दिस स्लाइस ऑफ दिस बार्क इन माइक्रोस्कोप like this type of slice he has observed in self-made microscope and he found that there is a gap in between that is called cells. तो उन्होंने कहा cells का literal meaning होता है small room and room is something which is bounded. तो ये bounded एक
है, सेल जो है एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर कुछ खाली जगह भी है और इसको उन्होंने सेल कहा। ये देखने में जो हॉनी कॉम्ब होता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस तरह का दिख रहा था। सो इट लुक्स लाइक ए हॉनी कॉम्ब एंड देयर इज ए स्मॉल गैप इन बिटवीन, एयर गैप्स आर देयर, सो ही फर्स्ट टर्म्ड एज सेल और उसको सेल कहा गया। बाद में बहुत साल, लगभग 180 ईयर लेटर, अक्रॉस वन अदर साइंटिस्ट हैज ऑब्जर्व दिस एंड ही हैज गिवन द थ्योरी ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल एंड ही हैज फाइंड इन 1831 अनदर साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन फाइंड दैट देयर इज ए न्यूक्लियस इन द सेल। एंड उन्होंने न्यूक्लियस फाइंड आउट किया और कहा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। बाद में और सारी रिसर्च हुई और रिसर्च के लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गए, और भी लोगों की उत्सुकता हुई कि ऐसा क्या है। उन्होंने कहा कि जितनी भी सब्सटेंस ये है उसमें सेल एक इम्पोर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है, सब्सटेंस जो है वो सेल से बने हैं और ये सेल जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल आइटम है, फंडामेंटल कंपोनेंट है जिससे कोई भी सब्सटेंस बना है। तो लेटर ऑन एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1839 में जाकर के, और उन्होंने कुछ और इसमें डेवलपमेंट की। क्या था वो डेवलपमेंट? सो 1839 में पुरकिंजी जो थे, एक साइंटिस्ट थे, जे.ई. पुरकिंजी पूरा इनका नाम था। ये इन्होंने 1839 में देखा कि सेल के अंदर जो सेल लिविंग होने का जो लिविंग फ्लूड है उसको कहा इन्होंने प्रोटोप्लाज्म। सो दिस साइंटिस्ट सेज दैट द लिविंग फ्लूड इनसाइड सेल इज नेम्ड एज प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज दैट? प्रोटोप्लाज्म ये इन्होंने नाम दिया। उसके बाद लेटर ऑन फिर धीरे धीरे ये जैसे जैसे देखा 31, 39, उसके बाद फिर 38 में एक उसके पहले थ्योरी दे रखा था स्वीडन ने 1838 ऑलमोस्ट इन 1938 एंड 39 आई मस्ट से दैट इट इज अ 38 एंड 39, 1838 सिल्डन, SCHLEDIEN सिल्डन, एंड इन 1839 श्वान, SCHWAN एंड स्वान, दीज आर टू बायोलॉजिस्ट एंड दीज टू बायोलॉजिस्ट हैज गिवन द सेल थ्योरी। सो दिस इज ऑल द डेवलपमेंट ऑफ सेल। Further, this theory and what they say in this theory that all plants and animals are made of cells. Animals are made of cells. This is what they have said that जितने भी इस दुनिया में प्लांट और एनिमल्स हैं वो सारे के सारे सेल से बने हैं। तो ये सेल थ्योरी था। उसके अलावा फिर आगे जाके 1855 में विर्चोव एक साइंटिस्ट थे, विर्चोव, एंड व्हाट ही हैज गिवन द थ्योरी दैट ही हैज डेवलप्ड द सेल थ्योरी। फर्दर दिस थ्योरी इज एक्सटेंडेड, दिस थ्योरी वाज एक्सटेंडेड बाय दिस साइंटिस्ट, एक्सटेंडेड बाय दिस विर्चोव इन दिस ईयर। सो दिस इज अनदर साइंटिस्ट हु हैज कंट्रीब्यूटेड ऑल, बट सबने जो कहा उसके आधार पे सेल को क्या कहा जाए, सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ये सबने कहा एनिमल है और ये क्या है, ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइट है, लाइफ है, दिस इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सो दिस इज व्हाट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स, लाइफ विदाउट सेल इज नॉट पॉसिबल एंड डू नॉट एक्जिस्ट। सो लाइफ, इफ देयर इज अ लाइफ देयर मस्ट बी अ सेल। So life without cell is not possible and not exist. So
व्हाट द सेल इज। इनफैक्ट अभी तक हमने इतनी सारी बात कर ली है और हमें यही नहीं पता चला कि सेल है क्या, तो ये कह सकते हैं कि द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। दिस इज व्हाट आई कैन से अबाउट द सेल, कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल, दो बातें इसके साथ साथ है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल। स्ट्रक्चरल इज व्हाट, बिकॉज ऑन द सेल बेसिस ऑफ सेल द स्ट्रक्चर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विल बी डिफाइंड एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज डिफरेंट स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ द सेल ओनली, राइट ना। एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाई दिस इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज इफ दिस सेल विल नॉट एग्जिस्ट देन नो लिविंग ऑर्गेनिज्म विल एग्जिस्ट, एंड देयरफॉर वेदर दिस इज अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म और अ बिग ऑर्गेनिज्म लाइक दिस, दे आर ऑल मेड ऑफ सेल्स, इधर स्मॉल और बिग, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वेदर दिस इज अ ह्यूज डायनासोर और इवन दिस you see bear or this is a camel or ass or whatever, all these are made of cells, even human being are made of cells, even not only this but small organisms which you have not seen even, but that is protoplasm, paramecium and amoeba and bacteria, yeast, or are made of just single cells and protoplasm are present inside them. So cell is made of basically a fluid which is called protoplasm, and in cell there is a nucleus. Two things till now are clear. Protoplasm is one thing which is a fluid which is present in cell, and the second thing is that what the presently Robert Brown has discovered, that there is a nucleus inside the cell. So later on the other scientist which has given the cell theory, they have given the about the structure of cell, what kind of a structure of cell is. So cell is, if microscopic view of cell, they find that this is the type of a structure of cell, and in that there is a gap. So this gap is called vacuole, right? Vacuole is called this is, and vacuole is called this gap is called vacuole, and there is a outer layer which is called chloroplast, and there is a nucleus inside the cell, and nucleus inside the cell. So here is one nucleus, what the Robert Brown said, jo Robert Brown ne kaha ki ek nucleus hota hai, aur jo vacuole ki baat ki gayi wo gap hai jiska naam baad mein diya gaya, jo humne kaha ki chote chote gap hote hain, madhumakhi ke chhatte ki baat ki gayi, honeycomb ki baat ki gayi, usme kya hota hai, air gaps hote hain. To jitne bhi organism hain इस दुनिया में, चाहे वो लिविंग हैं अभी और जो पहले लिविंग थे अपडेट हो गए हैं, वो सारे के सारे सेल से बने हुए हैं। सेल इसलिए फंडामेंटल है और इसी के वजह से स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, इन दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, और फंडामेंटल यूनिट इसलिए है कि इसके बिना लाइफ की कल्पना नहीं की जा सकती, इट इज नॉट पॉसिबल लाइफ बियॉन्ड दिस एंड विदाउट दिस। सो मोर ओवर सेल के बारे में हम ये जान चुके हैं कि एक फंडामेंटल यूनिट है, ये सेल अलग अलग फंक्शन का काम करते हैं, देयर एक्टिविटी आर एंड देयर फंक्शंस आर डिफरेंट, डिफरेंट सेल्स वर्क डिफरेंटली, अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे हम कहें मेमोरी सेल्स तो अलग काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सेल है वो अलग काम करते हैं, जो लिवर में और हार्ट में सेल है वो अलग काम करते हैं। तो एवरी सेल हैज वेल डिजाइन फंक्शनल एक्टिविटी, every cell has well designed functional activity, 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 well designed in functional activity, well designed functional activity, every cell has well designed functional activity, cell
एवरी सेल हैज वेल डिजाइन फंक्शनल एक्टिविटी, एवरी सेल हैज वेल डिजाइन फंक्शनल एक्टिविटी, फंक्शनल एक्टिविटी एक्टिविटी एट ए टाइम, राइट ना, एट ए टाइम। सो सेल विल, सेल विल वर्क समहाउ, और सेल जो है वो कुछ ना कुछ काम करता है। तो अलग अलग सेल ऑर्गेनिज्म में अलग अलग काम करता है और वे डिजाइनेटेड वर्क होता है। बट फिर भी कुछ ऐसे सेल होते हैं जो एक सारे काम अकेले खुद करते हैं। एक आदमी ऐसा होता है अपने घर में जो सारे काम खुद करता है, खाना भी बनाता है और झाड़ू पोछा भी करता है, बर्तन भी करता है, घर की क्लीनिंग भी करता है, सब कुछ करता है। और वही आदमी ऑफिस भी जाता है, वही आदमी बाजार भी जाता है। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में झाड़ू पोछा देने के लिए अलग लोग हैं, खाना बनाने के लिए अलग लोग हैं, और बाहर मार्केट से सामान लाने के लिए अलग लोग हैं। तो दे हैव वेल डिजाइंड वर्क बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल आर देयर इन द फैमिली। तो जिनके घर में बहुत ज्यादा लोग हैं उन लोगों को काम बांट दिया गया है कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो, लाइक दिस। और जिनके घर में एक ही आदमी है वही आदमी कभी झाड़ू लगाता है, कभी पोछा लगाता है, कभी खाना बनाता है, कभी बाजार जाता है। यानी अलग अलग टाइम में अलग अलग फंक्शन, अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करता है। उसी प्रकार से हमारे जो आसपास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक जिसमें बहुत सारे सेल हों, वो अलग अलग सेल जो हैं वो अलग अलग फंक्शनल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। दूसरा, जिनके पास सिर्फ एक ही सेल हो, इकलौता आदमी हो, तो जिस तरह से घर में इकलौता आदमी है वही आदमी बाजार जाता है, वही आदमी आके खाना बनाता है, वही आदमी आकर के बर्तन धोता है, वही आदमी बाजार जाता है और सब काम बारी बारी से निपटाता है। उसी तरह से सिंगुलर सेल जिस का जो ऑर्गेनिज्म होगा, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक सेल होगा, वह बारी बारी से सारे कामों को निपटाता है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर एक सेल के लिए अलग अलग काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जिनके घर में बहुत सारे आदमी हैं उनके यहाँ भी काम का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। अलग अलग वर्क एक्टिविटी अलग अलग लोगों को डिफाइन कर दिए गए हैं। और जो बर्तन धोता है वो हमेशा बर्तन धोता है, जो बाजार जाता है वो हमेशा बाजार ही जाता है। और इस तरह से वेल डिजाइंड वर्क है, किसी को कोई काम करने के लिए कहना नहीं पड़ता है। खाना बनाने के समय में जिसको खाना बनाने का काम है वो खाना बनाता है, जिसको बाजार से सामान लाने का काम है वो बाजार से सामान लाता है। तो हमारी बॉडी में, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक से ज्यादा सेल है, उनमें जो वर्क फंक्शन है वो डिजाइंड है। और ये कई सारे सेल मिलकर के एक काम करते हैं। जैसे किसी का बहुत बड़ा फैमिली हो जाए तो उसके यहाँ खाना अकेले एक आदमी नहीं बना सकता, तो खाना बनाने के लिए चार लोगों को काम पे लगा दिया गया, बर्तन धोने के लिए छह लोगों को काम पे लगा दिया गया, बाजार से सामान लाने के लिए भी दो तीन लोगों को काम पे लगाया गया है कि तुम अंडे लेके आना, ब्रेड लेके आना, केले लेके आना, फल फ्रूट तुम लेके आओगे, बाकी राशन का सामान दूसरा कोई लेके आएगा, और तीसरा जो चीज है वेजिटेबल्स और दूध मिल दूध लाने का काम किसी तीसरे को दे दिया गया। तो बाजार में भी तीन चार लोग लगे हुए हैं, खाना बनाने में भी चार पांच लोग लगे हैं, बर्तन धोने में भी पांच छह लोग लगे हैं। तो पांच छह जो लोग होते हैं वो मिल करके एक ही काम को परफॉर्म करते हैं। उसी तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कई सारे सेल मिलके एक ही काम को परफॉर्म करते हैं, और उन ग्रुप ऑफ सेल्स को जो एक ही काम को परफॉर्म करते हैं, उन सारे सेल्स को मिल करके जो कम्बिनेशन है, जो उनका ग्रुप है, उनको हम टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू टिश्यू जो है वो कम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर परफॉर्मिंग फॉर ए पर्टिकुलर वर्क, एक ही काम को सब मिल करके निपटाते हैं। कई सारे टिशू मिलके एक बड़ा काम निपटाते हैं, जैसे घर के सारे सभी लोग मिलकर के अलग अलग कामों को निपटाने के बाद घर के ग्रोथ में हिस्सेदारी करते हैं, और किसी बड़े
फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसी तरह से कई सारे टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन बनाते हैं और कई सारे ऑर्गन मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे एक परिवार बन गया, कई सारे जो लोग हैं मिलकर के एक परिवार बनाते हैं, कई सारे परिवार मिलकर के एक सोसाइटी बनाते हैं, कई सारी सोसाइटियां मिलकर के एक लोकेलिटी बनाती है, एक टाउनशिप बनाती है, कई सारे टाउन मिलकर के एक स्टेट बनाते हैं। इस तरीके से अलग अलग जो सेल है, जो सेल है वो मिलकर के टिश्यू बनाता है, कई सारे टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन बनाते हैं, कई सारे ऑर्गन मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। बात समझ आ रही है? तो ऑर्गन सिस्टम मिलकर के, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सरेटरी सिस्टम, राइट, एंड जो भी हमारे बॉडी के और भी सिस्टम्स हैं, ये सब सिस्टम मिलकर के, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सारे सिस्टम मिलकर के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर तैयार कर पाते हैं, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी तरीके से सेल जो है वो मिलकर के टिश्यू, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बॉडी बना रहे हैं। तो ये बॉडी तभी बनेगी, जैसे इतना बड़ी हमारी बॉडी है, ये बनेगी तभी, ये आपकी है, इतनी बड़ी बॉडी तभी बनी है जब ये सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बना। अगर वो सेल नहीं होता तो क्या ये सारी चीजें बन पाती? नहीं बन पाती ना। तो इसलिए सबसे जो बनाने वाली चीज है वो क्या है? सेल है। इसलिए सेल को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मूलभूत इकाई, फंडामेंटल मूलभूत ओरिजिनल चीज यही है, इसी से बना है। लेकिन क्या जिनके यहाँ बहुत सारा, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि बहुत सारा लोग नहीं है, एक ही आदमी है, तो उसका गुजारा कैसे चलता है? वो जिंदा रहता है कि मर जाता है? उसका काम चलता है कि नहीं चलता? चलता है। कौन करता है? वही आदमी करता है। बारी बारी से बाजार भी जाएगा, बारी बारी से वो खाने पीने का सामान भी लाएगा, किचन में भी जाएगा, बर्तन भी साफ करेगा, और सारे काम वन बाई वन करके परफॉर्म करता है। क्या वो जब बर्तन धो रहा होता है तो बाजार जाता है? नहीं, नहीं जाता ना। इसका मतलब जब एक काम कर रहा होता है तो दूसरा काम नहीं करता। इसी तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यानी जिस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल होते हैं, उनमें जब एक काम हो रहा होता है तो दूसरा काम नहीं हो रहा था। बारी बारी से हर एक कार्य का निष्पादन, एवरी एक्टिविटी व्हाट दे आर गोइंग टू परफॉर्म, दैट वन बाय वन, एक एक करके वो करता है। तो वन बाय वन ही परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी व्हिच इज एसेंशियल एंड नीडफुल टू सर्वाइव हिमसेल्फ और this organism, that living organism. So unicellular organisms are performing all needful activity one by one, when which is needful for survival. और multicellular organism में क्या होता है कि एक ही काम को करने के लिए one or more cells are involving, right? And they are forming maybe tissue and they perform the work. So given activity. In fact, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सेल जो है वो फंक्शनल एक्टिविटी, वेल डिजाइन फंक्शनल एक्टिविटी एट ए टाइम, एवरी सेल हैज, एक टाइम में एक काम करते हैं, एक टाइम में दो चार काम नहीं करते, और दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में, जो बड़ा हो उसमें भी और जो छोटा हो उसमें भी, बना किससे है? सेल से। और सेल क्या कर रहा है? अलग अलग तरह के फंक्शनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। So the cell theory, what the postulates of cell theory? If there is any theory, then there must be some postulates. The cell theory, the postulates of cell theory, postulates of cell theory, of cell theory, postulates of cell theory, cell theory. What the postulates? So few postulates of cell theory. First one is that every all organisms are composed of cell or cell product. All organisms are made of cells. All organisms are made of cells and cells product. Cells product. Cells and cells product. What do you mean by cells product? That cells and combination of cells. So second, cells and combination of cells. Second point, what they say that all metabolic reactions takes place in cells.
ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर इन द सेल्स, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर इन द सेल्स एंड द सेल्स इज सेल्स एज स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सेल्स इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ. दिस इज व्हाट द सेकंड पोस्टुलेट्स. What about the third postulates? The third postulates they have given is that all cells are arise from, cells are arise from pre-existing cells, pre-existing cells. That means cells cannot be originated. They will come from division of pre-existing cells, existing cell. So means cell cannot be originated, they will come from pre-existing cells. तो सबसे पहला आप सवाल ये है कि आप सोच रहे होंगे कि तो सबसे पहला सेल कहां से आया. अगर बाद वाला सेल पहले वाले सेल से आ रहा है तो बाद वाला सेल सबसे पहला सेल कहां से आया. तो स्टार्ट्स लाइफ जो होता है वो सिंगल सेल से ही होता है. इसका मतलब है कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स देयर लाइफ विथ सिंगल सेल ओनली, विथ सिंगल सेल ओनली, सिंगल सेल ओनली. ठीक है. देयर इज एक्सेप्शन वायरस, वायरस इज नॉट लाइक दैट, राइट ना. सो एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर एंड इट इज नॉट लाइक दैट. दे हियर एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट विथ सिंगल सेल एंड फर्दर दे ग्रोन अप, दे डिवाइड, स्प्लिट एंड बिकम जनरेट रिप्रोड्यूस मोर एंड मोर सेल्स and therefore reproduction also takes place here among the cells. So every cell organism starts from pre single cell only, organisms and starts their life with single cell only. So these are four postulates and you must remember this. याद करोगे ना इसको, याद करोगे नहीं करोगे, याद करोगे ना. ये चार पोस्टुलेट्स जो हैं वो याद रखने चाहिए और वायरस को तो स्पेशली याद रखना चाहिए. तो हर एक में पहले एक सेल होता है, एक सेल से बढ़ के दो सेल, चार सेल, पांच सेल, दस सेल, बीस सेल हो सकता है. जैसे किसी की फैमिली में एक आदमी होता है, उसके बच्चे, फिर उसके दो चार बच्चे, फिर उसके दो चार बच्चे, फैमिली बहुत बड़ी हो जाती है. और कोई एक आदमी रहता है जिसके कोई बच्चे ही नहीं हुआ आगे, वो आगे डिविजन हुआ नहीं, तो कैसा रह जाएगा, इकलौता रह जाएगा. तो सिंगल सेल होगा और सिंगल सेल होगा, उसके भी एक ही बच्चे हुए, उसके भी एक ही बच्चे हुए, उसके भी एक ही बच्चे हुए, तो वो बच्चे अलग अलग हो गए, उसके जो ब्रांच है वो नहीं बने. उसी तरीके से यहाँ पे सिंगल सेल हो सकता है जो कि सरवाइव करे इटसेल्फ फॉर देयर लाइफ एंड देयर आफ्टर दे प्रोड्यूस वन मोर सेल, सिंगल सेल विच विल बी कैटेगराइज एज सेपरेट ऑर्गेनिज्म, नॉट एज ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो ये यूनिसेल्युलर की लाइफ साइकिल है और मल्टी सेलुलर की एक ही सेल के दो सेल, चार सेल, दस सेल, बीस सेल, पचास सेल, सब एक में एक मिल करके आपस में कोरिलेशन से अलग अलग फंक्शन करते हैं, अलग अलग डिजाइनेटेड वर्क करते हैं. तो ये सारी बातें सिंगल सेल के अंतर्गत और मल्टीपल सेल ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत होता रहता है. ठीक है, आपको उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी, है ना. तो सेल को हम ये कहें कि यहाँ पर जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं
एक जो है जिसमें बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं इसके अंदर, ये है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और कुछ ऐसे सेल होंगे जहां पे एक ही है यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लाइक परामिशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, ईस्ट, ये सारे जो हैं वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इस तरह का जिनका एक ही सेल है, इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ये सेल्स दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ये खुद अकेले सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो खुद से इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, खुद सरवाइव कर सकते हैं, खुद सारे काम कर सकते हैं। जैसे कई लोग होते हैं जो अकेला अपने घर में होते हैं लेकिन सारे काम खुद नहीं कर सकते, बिजली का बिल जमा करवाना है तो पड़ोसी के की मदद लेते हैं, पानी का बिल पर जमा करवाना है तो किसी और की मदद लेते हैं, हॉस्पिटल जाना होगा तो बाहर से किसी को, रिश्तेदार को बुलाते हैं, तो उनका बिना किसी के मदद के सारे काम नहीं हो पाते। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट बट सम ऑफ देम आर लिविंग इंडिपेंडेंटली। वो अपने ही घर में रहता है, वो खुद ही बिजली का बिल भी जमा कराएगा, पानी का बिल भी जमा कराएगा, हॉस्पिटल जाना होगा तब भी खुद ही चला जाएगा। दे विल परफॉर्म, ही विल परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी व्हिच नीडफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ हिज लाइफ। सिमिलरली सम ऑफ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर इंडिपेंडेंट एंड दे परफॉर्म ऑल देयर नीडफुल एक्टिविटी विद सेल्फ, बट दे आर नॉट डिपेंडेंट। अमीबा इज वन ऑफ देम, अमीबा उनमें से एक है, तो ये इंडिपेंडेंट रह सकता है और अपनी लाइफ को अपने तरीके से बिना किसी दूसरे की मदद के जी सकता है, जबकि बाकी सेल्स को हमें जरूरत पड़ती है कि अलग अलग लाइफ के हिसाब से, अलग 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 जरूरत के हिसाब से और अलग अलग जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करे। तो सेल को बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखा जाने पर ये पाया गया कि सेल में जो है वो होता है, ये जो खाली स्पेस है वैक्यूल है, ये जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये न्यूक्लियस है, ये जिसकी बात कर रहे हैं बाहर का क्लोरोप्लास्ट है, और हमने बताया कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो लिक्विड होता है सेल के अंदर, ये लिविंग लिक्विड होता है, जब ये डेड हो जाता है तो सेल भी डेड हो जाता है। बाहर के स्ट्रक्चर को सेल वॉल कहते हैं, ठीक है ना, और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो आउटर कवरिंग ऑफ सेल्स होती है, ये प्रोटेक्ट्स फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट, ये बाहरी इन्वायरमेंट से इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेट मी राइट हियर अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज द आउटर कवरिंग, लिखो, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ सेल, आउटर कवरिंग ऑफ सेल, इट प्रोटेक्ट द मटेरियल इनसाइड सेल, इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट, आउटसाइड दैट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये बात कैसे पता चली? उसने क्या किया कि एक जो ऑनियन बल्ब है उसको अलग अलग पीसेज में कट किया और ऊपर का ये जो लेयर है इसको हटाने के बाद, जो आप देखेंगे ऑनियन के अंदर, आप ऊपर की लेयर इसे हटा देंगे और पहली लेयर हटाओगे तो अंदर में एक मेम्ब्रेन टाइप का पतली सी चीज होगी जिसको ऑनियन पील कहते हैं। उसको जब माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा गया तो उसने देखा कि माइक्रोस्कोपिक देखने के बाद उसको पता चला कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की है। उसकी स्ट्रक्चर भी देखा तो पाया इस तरह का कि उसके भी अंदर एक क्या है, एक वैक्यूली है, एक साइटोप्लाज्म है और एक न्यूक्लियस है, एक बाहर से सेल वॉल है। सो दिस इज ए स्ट्रक्चर बेसिकली व्हाट ही हैज ऑब्जर्व, जो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ऑब्जर्व किया और देखा कि उसके स्ट्रक्चर भी एक सेल वॉल है, एक न्यूक्लियस है, एक बीच में ये गैप है जिसको वो वैक्यूली कहते हैं और साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म इज व्हाट, लिक्विड्स, दोज व्हिच इज अ लिक्विड, लिविंग लिक्विड। अगर ये लिक्विड डेड हो जाता है तो प्याज की ऐसी शक्ल बन जाती है, ये डेड सेल्स हैं जो बाहर के आउटर कवरिंग पे होते हैं, ये डेड सेल्स हैं। और लिविंग सेल्स जो होते हैं वो क्या होता है, इस तरह का, जैसे ये है ऑनियन बल्ब, इसको अगर आप काटोगे तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा,
इसके अंदर ये जो दो लेयर के बीच में एकदम स्केली लीफ होती है, बहुत जो दो लेयर के बीच में, उनके बीच में ये जो है उनका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ओनियन सेल्स और ये सेल वॉल अंदर से, और ये न्यूक्लियस है इसका, ठीक है, जो कि आपने देखा, और साइटोप्लाज्म जो लिक्विड है, जो किनारे किनारे हल्के से उसमें जूसी टाइप का एक लिक्विड रहता है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और जो अंदर में गैप है उसके, उसको आप कह सकते हैं वैक्यूली, राइट। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ओनियन बल्ब एंड देयर इज अ ओनियन पील। ओनियन बल्ब, दिस इज ओनियन बल्ब एंड ओनियन बल्ब एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ओनियन पील। ओनियन पील स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक रीजन ऑफ ओनियन पील, राइट। सो दिस इज अ माइक्रोस्कोपिक रीजन ऑफ ओनियन पील। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लाइफ ऑफ आवर। सो सेल के बारे में, जब ये माइक्रोस्कोपिक, पहले क्या होता था कि मैग्नीफाइंग ग्लास से ये सारी चीजें देखी गई थी, और जो रॉबर्ट हुक थे वो क्या थे, वो उन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया था, बट 1940 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया, तब लोगों ने सेल के बारे में और ज्यादा बेहतर स्टडी किया, और देखा कि ये सेल के अंदर हर एक डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के सेल्स, जो प्लांट सेल्स हैं या एनिमल सेल्स हैं या और किसी प्रकार का सेल्स, जो मेनली दो ही कैटेगरी में तो है, प्लांट और एनिमल सेल्स, इन दोनों को ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने ये देखा कि सेल्स के अंदर 1940 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये जब बन गया था, तब ज्यादा बेहतर तरीके से सेल की स्टडी की गई, और उसके अंदर देखा गया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए कि सेल के अंदर कम से कम 3 फीचर्स हैं। एवरी सेल हैज 3 फंडामेंटल फीचर्स, कम से कम ये 3 फंडामेंटल फीचर्स होते हैं। क्या क्या ये 3 फंडामेंटल फीचर्स हैं? ये 3 फंडामेंटल फीचर्स होते हैं, एवरी सेल हैज 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हर एक सेल में होता ही होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस, और तीसरा जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये अभी हमने आपको बताया है, ये है लिविंग फ्लूइड। सो साइटोप्लाज्म, ये 3 चीजें के बिना कोई भी सेल नहीं होता। वैक्यूली एक अदर पार्ट है, जो कि एक स्पेस को कहते हैं, और एम्प्टी रूम लाइक दिस। सो ये 3 जो पार्ट हैं, ये आपको ध्यान में होना ही चाहिए, न्यूक्लियस है, सेल है और साइटोप्लाज्म है, ये 3 चीजें तो होती ही होती है ना। तो ये 3 चीजें सेल के, हर एक सेल के अंदर, एवरी सेल हैज दिस 3 पार्ट्स, दिस 3 थिंग्स, वन इज एवरी सेल हैज दिस 3 फीचर, दैट वन इज व्हाट, वन इज कॉल्ड एवरी सेल हैज दिस 3 फंडामेंटल फीचर्स, ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, दीज आर द 3 फंडामेंटल फीचर्स हर एक सेल के अंदर होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लाइफ है ऑर्गेनिज्म का, उसकी लाइफ के बारे में थोड़ी सी बात करें। जैसे कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस की बात करें, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम ये कह सकते हैं कि ये जो फिजिकल साइंस है, उसमें ये कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी चीज बनी है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो क्या है, वो एटम है, और एटम से बना है मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल से क्या बनता है, कंपाउंड, और कंपाउंड से क्या बनता है, सब्सटेंस। तो इसी तरह से ऑल मैटर्स आर मेड ऑफ एटम, दिस इज अ पैरेलल स्टडी, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग हियर, जस्ट टू एक्सप्लेन दिस, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल एंड एटम। सिमिलर लाइक एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेकिंग ऑल दीज कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स, सिमिलरली हियर सेल इज ऑल्सो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड सेल से जरिए सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है। तो एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स मेड अप सेल्स, एंड सेल्स मेड अप ऑर्गेनिजम्स, सब्सटेंस बनाते हैं। तो सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल्स, दे आर कॉल्ड दीज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कैरी आउट ऑल द नेसेसरी एक्टिविटी टू सर्वाइव अलोन, नो मैटर देयर साइज,
ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स, चाहे बड़ी से बड़ी कोई चीज हो या छोटी से छोटी चीज हो, सबके सब छोटे छोटे सेल से बने होते हैं, ये बात इससे पता चलता है। तो सेल क्या सब एक जैसे ही होते हैं या कुछ छोटा या बड़ा होता है? ये सवाल सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या सब अलग अलग सेल्स अलग अलग चीजों के बने होते हैं, या सब सेल की स्ट्रक्चर एक जैसी होती है, क्या शेप भी सबके एक जैसे होते हैं? नो, शेप इज ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप बट नॉट एग्जैक्टली सेल्स सेम। सेल्स ऑफ डिफरेंट फंक्शनल, ऑल्दो देयर इज अ थ्री फंडामेंटल फीचर्स आर सेम, बट स्टिल देयर स्ट्रक्चर कैन बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड देयर फोर ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैज डिफरेंट स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिकॉज ऑफ द सेल्स ओनली। सो सेल्स आर ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर बट द थ्री फंडामेंटल फीचर्स आर ऑलवेज देयर इन दोज एवरी सेल्स ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वेदर दिस इज ए प्लांट और दिस इज एन एनिमल। So cells are same. So shape and size of cells depends upon the work function, on their work function, right? It is not fixed. Amoeba and some other organisms, there, let me write this, their work function, right? Now shape and size, all cells are not similar, they may be with a peculiar shape. Nerve cell is a typical type of cell with a structure, is a typical type cell, typical type cell, type cell, right? Now similarly we can say some cells are changing with their shape and structure as well. Amoeba changing their shape, the amoeba changing their shape and therefore changing their structure as well. So because it is a unicellular organism and they are changing their shape with time, varying shape they have, so cell is not fixed with the shape, it can change, and depending upon the work function, what the work it is going to perform, depending upon the work function, their shape and size can be differ. But one organism, some of the organism has similar shape and similar type of work function, so they may be similar in the shape and structure as well. So organisms are, in this chapter we will learn about how plasma membrane will work for it, how this will be helpful for living organisms. And organisms are basically two type, unicellular organisms and multicellular organisms. You know, in unicellular organisms, those who have only one cell, we can give the examples of bacteria, then there is example of protozoa, some algae, some fungi, and there are moreover some plasmodium and some other like bacteria are also in group of this unicellular organisms. So more important is that what will, now the question is that what, as we had discussed already about this, that in multicellular organism there is a division of liver and stomach cells used for digesting the food, like heart cells are pumping the blood, and some other have other nerve cells giving the signals to the brain, and every cells has a specific distribution of work function and division of liver. So what about unicellular organism, how they are doing this, how they are performing this? So we can say in unicellular organisms, there is a specific component in cell, components in cell itself, in cell, for a specific
वर्क फंक्शन, फॉर स्पेसिफिक वर्क फंक्शन, यानी एक ही सेल का कुछ कंपोनेंट एक स्पेसिफिक वर्क करने के लिए डिसाइंड और डिप्यूटेड होता है। जिस स्पेसिफिक कंपोनेंट को, स्पेसिफिक जो कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिल्स। दिस स्पेसिफिक कंपोनेंट, दीज स्पेसिफिक कंपोनेंट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिल्स। दीज स्पेसिफिक कंपोनेंट आर कॉल्ड ऑर्गेनिल्स, ऑर्गेनिल्स ओ आर जी ए, ऑर्गेनिल्स ओ आर ऑर्गेनिल्स राइट। एंड दीज ऑर्गेनिल्स आर परफॉर्मिंग अ डिफरेंट, द डिफरेंट कंपोनेंट, दीज ऑर्गेनिल्स आर फॉर डिफरेंट वर्क फंक्शन, लाइक सम ऑफ देम आर यूजिंग द development of organism, some of them are using for making food in the organisms, some of them are cleaning the waste material inside the organisms. So these organelles are, these organelles are using for different work function, different work function, work function in the cell, in the cell right, but one work function, one work at one time only, ek kaam ek hi bar mein hota hai, ek bar mein ek se zyada kaam nahi hota. Jaise hum keh dein ki ek aadmi koi hai to ek hi aadmi, jaisa ki abhi us samay se bahut sara humne example diya ki unicellular organism ka work function kaise hota hai, lekin isi mein special component hota hai. Jab ek component kaam kar raha hota hai to dusre sare component kaam nahi kar rahe hote. Ye organelle, cell organelles jo hai wo work function ki tarah kaam karte hain, alag alag in pe division of labor keh sakte hain, but specific division of labor in multicellular organisms hota hai, jahan ek cell ek type ka kaam karta hai और ग्रुप ऑफ सेल्स, कई बार ग्रुप ऑफ सेल्स एक ही टाइप का काम करता है, दे वर्क टुगेदर टू गिव ए बिगर वर्क एंड दैट मेक्स अ टिश्यू। सो अभी तक हमने सेल में, यहाँ पर ये बातें सीखा कि सेल में दो तरह की ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं सेल के आधार पर, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम वेयर वन एंड ओनली वन, यूनि मींस वन सेल इज प्रेजेंट, एंड हियर देयर आर टू सेल्स more than one, many means more than, multi plus cellular, multi means more than one, so more than one cells are there, more than one cell is present here, and therefore this is called multicellular organisms. And hopefully you understand the work function, the structure, the material inside, that is called cytoplasm. Moreover, about the different work function of cytoplasm, plasma membrane and nucleus, we will discuss later on in the next lecture. Till now you enjoy this all what you have read here and keep in memory. तब तक आप सब चीजों को याद रखें अच्छा से. आज हमने क्या सीखा, जस्ट एक दो मिनट का एक रिकैप कर लेते हैं. पहला ये कि दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है सारी की सारी सेल से बनी है. सेल क्या है, तो ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है. सेल का लिटरल मीनिंग होता है एन एम्प्टी स्पेस और ए रूम, ए स्मॉल रूम. एंड फर्स्ट 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल की डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी. ही हैज डिस्कवर्ड द सेल एंड ही हैज गिवन दिस आइडिया अबाउट द सीइंग द कॉर्क, स्लाइस ऑफ कॉर्क. And he observed that they has a fixed pattern, and that pattern is the smallest unit which is generated and grown up further and further and further, that is called cell. In 1831, Robert Brown has given this theory, and the nucleus has been discovered inside the cell. In J. Purkinje in 1839 said that there is a living fluid inside the cell, that is called protoplasm. And 1838, Sildon and Swan in 1839, cell theory has been proposed by them.
But and they said that say all animals and plants are made of cells, and this is the basic unit of life. Virchow further extended this theory, and he has said that cell is a structural and fundamental unit of all living organism, and he has proposed the theory that there are postulates of this theory, and every cell has well-designed functional activity at a time. So postulates of this theory, cell theory, is what? All living organisms are made of cells and cell product, and all metabolic reactions are in the cells. The cell is a structural and fundamental unit of life. This is what said again, and all cells are arise from pre-existing cell. यानी पहले से अगर कोई सेल नहीं होगा तो दूसरा सेल जनरेट नहीं हो सकता. सेल कैसे दूसरा जनरेट होता है? They cannot be newly regenerated, and they cannot be originated. They will come from the division of pre-existing cell. पहले से कोई एक सेल होता है, उसका डिवीजन होता है, तो एक और सेल बन जाता है. Every organism starts with their life with the single cell. Exception is virus, and that is what we have learned. So unicellular organisms are this type of cell, called unicellular organisms. Like paramecium, amoeba, bacteria, yeast, these are unicellular organisms, and the basic structure of cell is like this. And in this structure, the three important components are there. That is called nucleus, and this is a plasma membrane, and there is a third one is called protoplasm, and this is a third component. So plasma membrane is what? Plasma membrane is outer covering of cell. You can see if you cut cross sectionally the onion, the first layer, if you remove like this one, this is a dead cell. If you remove this outer covering, and then there is a, this is a dead cells, basically dead cells, which is a dead now, and it is a, if you remove this, then inside this onion bulb there is a small layer, like thin, very very thin and whitish layer, that is called onion peel. If it is observed in microscope, then this type of structure is observed. And here in each of this segment, they find that there is a cell wall, nucleus, and there is a space that is called vacuole, and there is a cytoplasm. Cytoplasm is also there, and this all are being seen by the different way. And here in onion bulb, this is a microscopic view of all these things. You have seen this. And life of an organisms is basically made of an atoms. Atoms form molecules. Molecules form cells, and cell make an organism. Some organisms are made of only one cell, called unicellular organism, and some of them are made of many number of cells. Even in human body, there are more than 200 different type of cells are there. So when in 1940 electron microscope has been discovered, jab ye discovered hua, tab dekha ki cell ke bare mein unke features, aur dekha different cells ka study kiya, to dekha ki cell ke teen important features hai, ek plasma membrane, ek nucleus, aur dusra cytoplasm. Ye teen cheeze hoti hi har ek cell mein. जहां तक शेप और साइज का सेल्स का सवाल है, ये डिपेंड करता है उनके वर्क फंक्शन पे. नर्व सेल्स टिपिकल टाइप सेल होता है. अमीबा के चेंजिंग देयर शेप, और शेप चेंज होता है इसलिए उसके सेल का आकार भी अलग अलग होता है. उसके सेल को डिफाइन नहीं किया जा सकता, बट थ्री इंपॉर्टेंट फीचर हमेशा साथ में होते हैं. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, as you have seen, the division of labor takes place in multicellular organism, but in unicellular organisms there is a special component of every cell which gives the special function. Chahe andar ka waste material ko bahar karna ho, ya respiration lena ho, ya kuch aur food item produce karna ho, ya development karna ho, growth karna ho, kuch bhi kaam ho, uske special component kaam karte hain. And this special component of cell is called organelles, and these organelles are using for different work function in the cell. So अभी तक आपने इतनी सारी बातें सीखी है. अब हम आगे की क्लास में बात करेंगे. ये जो बैक्टीरिया है, और ये प्रोटोजोआ है, कुछ एल्गी, कुछ फंजाई, परमिशियम्स जो है या ईस्ट है, ये सब जो क्या है, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं.
और इनके बारे में अभी डिटेल इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगली क्लास में हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की कुछ और एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोज एंड ऑन यूट्यूब एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट www.arvindsinghe.com। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। गॉड ब्लेस।